तो गाइस आ गए हैं जेड फोल्ड 6 के बहुत सारे लीक एंड रूमर्स। इस बार क्या चीजें आपको इससे मिलने वाली, क्या स्पेक्स मिलने वाले, किस तरीके का डिजाइन मिलने वाला, लॉन्च कब होने वाला, प्राइस क्या होने वाला, सब कुछ लीक्स एंड रूमर्स आपके लेके आ गए हैं। आज की वीडियो में सब कुछ इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है। तो गाइस अगर बात करते हैं इसके लॉन्च डेट की, तो आई एक्सपेक्टेड कि 10 जुलाई तक इसका लॉन्च हो जाएगा। तो गाइस अगर हम फोन की मॉडल्स की बात करें तो एक या फिर दो मॉडल्स इस बार बढ़ भी सकते हैं, जैसे कि जेड फोल्ड 6 आएगा, उसके साथ जेड फोल्ड 6 अल्ट्रा भी आ सकता है एंड जेड फोल्ड 6 एफई भी आ सकता है। एफई का चांस थोड़ा कम है, बट अल्ट्रा का चांस थोड़ा ज़्यादा है कि जेड फोल्ड 6 अल्ट्रा भी आ सकता है। बट एक और चीज़ है कि इंडिया में आता है कि नहीं आता है, शायद साउथ कोरिया में आने वाला है, वो चीज़ अलग बात है। बट लॉन्च होने वाला शायद जेड फोल्ड 6 अल्ट्रा, उसमें कुछ अलग फीचर्स होंगे, अलग थोड़ा सा और उसमें चीज़ें डाली जाएंगी, उसमें अलग कैमरा होंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट यस, जेड फोल्ड 6 के साथ जेड फोल्ड 6 अल्ट्रा भी लॉन्च हो सकता है, ऐसा रूमर। एंड अगर हम बात करते हैं फोन की डिज़ाइन की इस बार किस तरह होने वाली, तो थोड़ा सा बॉक्सी डिज़ाइन देखने मिल सकता है। आप फोटो देख सकते हैं, इस तरीके की लीक्स आई हैं कि इस तरीके का डिज़ाइन देखने मिलेगा, थोड़ा सा बॉक्सी डिज़ाइन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड हो सकता है टाइटेनियम का आपको फ्रेम देखने मिले, तो ये भी ऐसा रूमर है कि आपको यहाँ पर टाइटेनियम फ्रेम देखने मिल सकता है, जो कि S24 अल्ट्रा में देखने को मिलता है, वो चीज़ें आपको इसमें भी फोल्ड में देखने को मिल सकती है। तो बात करें अगर मैं स्क्रीन की, तो कवर स्क्रीन हो सकता है थोड़ा सा और उसकी थिकनेस बढ़ जाए। 6.2 इंचेस का था, इस बार आपको 6.4 इंचेस का देखने मिले, थोड़ा सा बड़ा देखने मिले, जिससे टाइपिंग वगैरह में जो प्रॉब्लम होती थी जेड फोल्ड 5 में, वो आपको जेड फोल्ड 6 में ना हो। बहुत लोग इसीलिए नहीं लेते कि कवर स्क्रीन में जब टाइपिंग करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अनकंफर्टेबल वहाँ पर फील होता है। बट अगर थोड़ा सा स्क्रीन बढ़ जाती है, थोड़ा सा और ठीक हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो 6.2 से 6.4 इंचेस हो सकता है इस बार आपको कवर स्क्रीन में देखने मिले। एंड अगर मेन स्क्रीन की बात करते हैं तो वो शायद सेम ही रहेगा, 7.6 इंचेस की ही देखने को मिलेगी, जो कि आपको फोल्ड 5 में देखने को मिलेगी। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल सकती है। एंड हो सकता है थिकनेस भी आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। अगर हम ओपन करके देखते हैं तो थिकनेस 5.6 mm की थिकनेस रहेगी, एंड अगर हम क्लोज करेंगे तो आपको 12.1 mm की थिकनेस देखने को मिल सकती है। तो थिकनेस में भी थोड़ा कुछ चेंजेस हो सकता है। एंड ये सारी चीज़ें र्यूमर है, आपको पूरा विश्वास नहीं करना है, बट यस र्यूमर्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आज कहते हैं अगर हम कैमरा की, तो दो र्यूमर्स यहाँ पे भी हैं कि आपको यहाँ पे 50 megapixel का ही देखने मिलेगा, जो कि आपको फोल्ड 5 में मिला था, वही सेम कैमरा लाइनअप मिलेगा। या फिर ऐसा एक र्यूमर है कि आपको जो S24 अल्ट्रा में मेन कैमरा होता है सेंसर 200 megapixel का, वो वाला आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट आई एक्सपेक्टेड बिकॉज फोल्ड 6 अल्ट्रा आ रहा है, तो हो सकता है 200 megapixel वाला सेंसर उसमें मिले एंड फोल्ड 6 में 50 megapixel वाला मिले, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। बट ये 200 megapixel वाला भी रूमर चल रहा है एंड 50 megapixel जो था वो तो था ही। तो ये चीज़ें दो हैं। अब किस तरीके का इस बार कैमरा आता है, किस तरीके नहीं आता है, वो लॉन्च होने के बाद पता चलेगा। बट रूमर्स इज दैट कि 200 megapixel का भी कैमरा सेंसर इस बार देखने को मिल सकता है, अल्ट्रा में मिलता है, 6 में मिलता है, इट्स आल्सो अ रूमर। तो पिछली बार आपको 4400 mAh का बैटरी बैकअप मिला था, इस बार हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए, 4600 mAh का हो जाए। एंड आई एक्सपेक्टेड कि ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, 4400 mAh का ही हो सकता है वो, या फिर अगर बढ़ता है तो 4600 mAh का हो जाएगा। ज़्यादा चेंजेस बैटरी बैकअप में मुझे देखने को नहीं मिला है। देखते हैं चिपसेट की, तो आपको 8 Gen 3 का चिपसेट देखने मिलेगा, जो कि परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है ही है। तो यस, 8 Gen 3 का चिपसेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड फोन्स के अगर कलर्स की बात करें, तो लाइट पिंक का कलर देखने मिल सकता है, क्राफ्टेड ब्लैक देखने मिल सकता है, व्हाइट कलर का आपको देखने मिल सकता है एंड एक कलर और आया है, सिल्वर शैडो। तो ये 3-4 कलर्स ऑप्शन है जो कि आपको इस बार जेड फोल्ड 6 में देखने को मिल सकता है। ये था जेड फोल्ड 6 के सारे जो रूमर्स हैं मैंने आपको बताए हैं, क्या चीज़ें इसमें आती हैं क्या नहीं आती हैं उसको लॉन्च होने के बाद देखेंगे। बट यस, ये सारे रूमर्स हैं। प्राइस बात करें तो प्राइस आपको जेड फोल्ड 5 के सिमिलर देखने मिलेगी, 1.5 लाख से स्टार्टिंग होगी जो होती है, एंड जेड फोल्ड 6 का भी वैसा ही रहेगा जो जेड फोल्ड 5 का है। तो प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, आई थिंक ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, क्या चीज़ें आपको और चाहिए इसमें वो भी आप कमेंट्स बॉक्स बता सकते हैं। एंड जितनी चीज़ें मैंने बताई उसमें से आपको क्या पसंद आई कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आपके लिए बहुत सा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजबल बेहतरीन धमाकेदार वीडियोज लाते रहते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतने, जय हिंद, वंदे मातरम।